ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। हेलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 19% लोग ही हमारे वीडियो को देखकर फॉलो करते हैं और बाकी 81% लोग वीडियो को सिर्फ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हमें आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जैसे कि हम आगे भी बहुत सारे वीडियो आपको दिखा सके। शुक्रिया। रात के 10 बज रहे थे। माधवपुर गांव से कुछ ही दूरी पर एक पुराना राजमहल चांद की मध्यम रोशनी में काफी आलिशान दिखाई दे रहा था। अवनी और मयंक उसके सामने खड़े हुए थे और अवनी उसकी फोटो निकाल रही थी। मयंक, इतने घने जंगलों के बीच ऐसा आलिशान महल हो सकता है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। आलिशान कम, मुझे तो ये भूत बंगला लग रहा है। ओहो, तुमको डरावना लग रहा है, लड़की मैं हूँ या तुम? अब बताओ आगे क्या करना है, एक्सप्लोर करने की आदत तुम्हारी है और फंस जाता हूँ मैं बार बार। अरे यार, इसमें कोई फंसने वाली बात नहीं है, चलो चलकर देखते हैं कि इसके अंदर ये कैसा दिखता है। वो दोनों एक साथ महल के अंदर चले गए। अंदर से वो महल और भी अच्छा दिखाई दे रहा था। उसके अंदर पुराने जमाने की पेंटिंग्स, मूर्तियां और दीवारों पर कलाकृति दिखाई दे रही थी। अवनी उन सभी चीजों की फोटो निकाल रही थी और मयंक बस वहां से बाहर निकलने के इंतजार में था। यार अवनी, हो गया ना, प्लीज चलो यहां से, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। अवनी उसका जवाब देती उससे पहले ही उन दोनों को कुछ अजीब सा शोर सुनाई दिया। छोड़ दो मुझे बापू, मुझे बचा लीजिए, मुझे मरना नहीं है। ये कैसी आवाजें हैं? वो दोनों खिड़की के पास गए और उन्होंने झांक कर देखा। गांव के कुछ आदमी एक खटोले को कंधों पर उठाकर महल की तरफ आ रहे थे। उस खटोले पर एक 15 साल की बच्ची बैठी हुई थी जिसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। ये लोग तो महल में ही आ रहे हैं, अब क्या करें अवनी? अरे तो वो हमें थोड़ी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। नहीं, हम इनके सामने नहीं आएंगे, मैंने कह दिया तो कह दिया बस। वो दोनों एक कमरे में दाखिल हुए और दरवाजे को हल्का सा खोलकर बाहर की तरफ झांकने लगे। महल का बड़ा सा दरवाजा खुला और वो सभी अंदर आ गए। उन्होंने उस खटोले को जमीन पर रख दिया जिस पर वो लड़की बैठी हुई थी। वो सभी लोग बहुत ही कठोर थे लेकिन उनमें से एक आदमी की आंखों से आंसू बह रहा था। ये सब चल क्या रहा है यार? बापू, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, मैं जीना चाहती हूँ बापू। मेरी बेटी, मैं मजबूर हूँ, तुझे मरना ही पड़ेगा, इसी में सबकी भलाई है। वो लड़की चीखती बिलखती रही और उसके बापू समेत सभी लोग महल से बाहर चले गए। उन्होंने महल का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया। वो लड़की तन्हा अकेली अंधेरे छाए हुए इस महल में बहुत डर रही थी और उसको छिपकर देख रहे अवनी और मयंक को ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी। वो दोनों उस कमरे से निकलकर उस लड़की के करीब पहुंचे। उन्हें देखकर वो लड़की चौंक पड़ी। घबराओ नहीं बेटा, हम तुम्हें बचाने आए हैं। उन्होंने उसके हाथ पैरों की रस्सी खोल दी और फिर उस लड़की के चेहरे का डर भी खत्म हो गया। तुम्हारे पापा और वो गांव वाले मिलकर तुम्हें यहां क्यों छोड़ गए? कोई बाप भला ऐसे कैसे कर सकता है? हमारे गांव में एक रिवाज है, हर इंसान अपनी पहली जन्मी लड़की को 15 साल की हो जाने पर यहां मरने के लिए छोड़ जाता है। लेकिन क्यों, क्या वजह है? मुझे नहीं पता दीदी, ये विश्वास है या अंधविश्वास है। अगर मैं फिर से गांव पहुंची तो वो लोग मुझे फिर से यहाँ छोड़ जाएंगे और इससे पहले वो आप लोगों को इस महल से बाहर कर देंगे, जिससे अगली बार मैं जिंदा न बचूं। कितने बेवकूफ लोग हैं। बेटा तुम घबराओ नहीं, तुमने मुझे दीदी बोला है ना, तो मैं अब तुमको अपने साथ ही रखूंगी। ये सुनकर मयंक ने अवनी की तरफ देखा। सिर्फ यही एक रास्ता है मयंक, वरना इसके पिता खुद इसको मरवा देंगे। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? नंदिनी।
अवनी के कहने पर वो दोनों नंदिनी को अपने शहर ले आए और अवनी एक बड़ी बहन की तरह नंदिनी का ख्याल रखने लगी। मयंक सारा दिन ऑफिस में होता था और नंदिनी अवनी का काम में हाथ बटा दिया करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन एक रात बहुत भयानक घटना हुई। नेहा, नेहा मेरी बच्ची, मेरी बच्ची क्या हो गया है तुम्हें? नेहा! अचानक एक शोर हुआ जिससे मयंक और अवनी दोनों चौंकते हुए जाग उठे। वो दोनों घर के बाहर निकले तो उन्होंने बहुत ही खौफनाक मंजर देखा। पड़ोस में रहने वाली नेहा रास्ते पर मरी पड़ी थी। उसकी गर्दन के कंधे से आधा मांस गायब था। उसकी मां उसके पास बैठी रो रही थी और बाकी पड़ोसी बस तमाशबीन बने हुए थे। माय गॉड, ऐसा कौन सा खूनखार जानवर है जिसने इसको मारा होगा? ये काम किसी इंसान का तो नहीं लगता। जरा सी देर में ही कॉलोनी में मातम छा गया था। उसी टाइम नंदिनी भी घर से बाहर निकली और नेहा की लाश को बड़े ही शांत भाव से देखने लगी। मयंक, देखो ये नंदिनी एक बच्ची होकर कितनी आराम से इस लाश को देख रही है, जैसे उसके लिए ये कोई अजीब बात है ही नहीं। अरे वो गांव की लड़की है, गांव में लोग इस तरह जानवरों का शिकार होते रहते हैं, शायद इसीलिए उसको ये सब देखने की आदत होगी। मयंक ने ऐसा कह तो दिया था लेकिन उसको भी नंदिनी की ये बात बहुत अजीब लग रही थी। कुछ दिन गुजरने के बाद फिर से कॉलोनी में एक और बच्चे की मौत हो गई, ठीक उसी तरह। अब कॉलोनी के सभी लोग परेशान थे। मयंक और अवनी को भी अब ये सब बहुत ही भयानक लगने लगा था। एक रात मयंक लैपटॉप पर काम कर रहा था तभी उसको कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। वो चुपचाप बेड से नीचे उतरा तो उसने नंदिनी को मेन डोर की तरफ जाते हुए देखा। कि इतनी रात में कहां जा रही है? वो भी उसके पीछे हो लिया। नंदिनी धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। वो घर के पीछे वाले पार्क में जाकर रुकी। एक पेड़ पर कई सारे कौवे काए काए करते हुए मंडरा रहे थे। मयंक भी एक पेड़ की आड़ में छिपकर उस पर नजर रखने लगा। तभी अचानक से नंदिनी ने एक छलांग लगाई और एक कौवे को पकड़ लिया। मयंक ये देखकर चौंक पड़ा। नंदिनी ने उस कौवे की गर्दन झट से अपने मुंह में दबा ली। ये देखकर मयंक का दिल दहल उठा। कौवे को चबाने की आवाज मैदान में गूंज रही थी। साथ ही नंदिनी की आंखें इस टाइम लाल लाल चमक रही थी। उसके होठों से कौवे का खून टपक कर नीचे गिर रहा था। हे भगवान! मयंक वहां से सीधा अपने घर की तरफ भागा और अपने कमरे में आकर अवनी के पास लेट गया। उसकी धड़कनें तेज तेज चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने कुछ देर पहले देखा वो सब सच था या कोई भ्रम। लेकिन जो आंखों के सामने हुआ हो आखिर उसे झुठलाया कैसे जा सकता है? उसने सोचा अगर उसने अवनी को बताया तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। इसलिए उसने एक फैसला किया। वो अगली सुबह ऑफिस न जाकर माधवपुर के लिए निकल गया। 5 घंटे के सफर के बाद वो माधवपुर पहुंच गया। गांव के सभी लोग उसको अजीब तरह से देख रहे थे और उसकी कार के पास जमा होने लगे थे। इन्हीं के बीच मयंक की नजर नंदिनी के पिता पर पड़ी। देखिए, मेरा नाम मयंक है और मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। सारी बातें सुनने के बाद गांव के सभी लोग डर गए और मयंक की तरफ गुस्सैल नजरों से देखने लगे। एक बाप भला अपनी ही बेटी को क्यों मारना चाहेगा? मेरी मजबूरी थी,
अगर ऐसा नहीं करते तो जो घटना अब तुम्हारे शहर में हो रही है वही हमारे गांव में घटने लगती। लेकिन एक बच्ची इस तरह पिशाचिनी कैसे बन सकती है? इसके पीछे एक पुरानी कहानी है। हमारे गांव में एक औरत विशाखा रहा करती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सृष्टि था। सृष्टि 15 साल की एक बच्ची थी, लेकिन उसके दांत बहुत ही भयानक थे। वो बहुत ही खौफनाक दिखती थी। न जाने उस समय हमारे गांव की खुशियों को किसकी नजर लग गई। गांव के लोग अजीब तरह से गायब होने लगे। उनकी लाश जंगल में बहुत ही बुरी हालत में पाई जाती। सभी लोगों को यह लगने लगा कि विशाखा की बेटी सृष्टि एक पिशाचिनी है और वही गांव के लोगों को मार रही है। इसीलिए सभी गांव वाले उसको मारने पहुंच गए। विशाखा ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव के लोगों ने उसके सामने उसकी बेटी को खत्म कर डाला। ये देख विशाखा को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे दिल का दौरा पड़ गया, लेकिन मरते मरते उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया। कैसा श्राप? तुमने मेरी बच्ची को एक पिशाचिनी समझकर मारा है। मेरा श्राप है पूरे गांव पर कि तुम सभी को पैदा होने वाली पहली लड़की 15 साल की हो जाने पर एक पिशाचिनी बन जाएगी और वो तुम्हारे गांव में लोगों को अपना शिकार बनाएगी। लेकिन अगर उसकी बेटी सच में एक पिशाचिनी थी तो उसका श्राप असर कैसे कर गया? सृष्टि के मर जाने के बाद भी गांव में मौतें होती रहीं। वो असल में कोई जंगली जानवर था और उसकी जगह हमने बेचारी सृष्टि की बलि चढ़ा दी। इसीलिए हर घर की पैदा होने वाली पहली लड़की को 15 साल का हो जाने पर हम उसे राजमहल में बंद कर दिया करते थे, जिससे वो वहीं घुट घुट कर मर जाया करती थी। ये सुनकर मयंक का दिल दहल उठा और उसने अगला सवाल किया, तो अब मैं उसको खत्म कैसे कर सकता हूं? इस पर सृष्टि के पिता चुप रहे और एक बूढ़े ने जवाब दिया, एक पिशाचिनी को चांदी के हथियार से ही खत्म किया जा सकता है। ये सुनकर अब मयंक ने देर नहीं की और फिर शहर के लिए निकल गया। रास्ते में काफी ट्रैफिक था, इसीलिए उसे घर पहुंचते हुए रात हो गई और घर पहुंचकर उसने बहुत ही खौफनाक मंजर देखा। नंदिनी की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसकी गर्दन धड़ से अलग थी। उसके पास ही हाथ में चाकू लिए हुए बहुत ही डरी हुई हालत में अवनी बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मयंक, उसने मुझ पर हमला किया, वो पता नहीं क्या बन गई थी। मयंक ने जाकर अवनी को गले लगा लिया और उसको दिलासा दिया, मुझे पता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, डरो मत। उन दोनों ने मिलकर नंदिनी की लाश को घर के पीछे वाले मैदान में दफन कर दिया और वापस अपने घर आ गए। घर आकर मयंक ने फिर से अवनी को गले लगा लिया। अवनी, इस बात को भूल जाना, एक बुरे सपने की तरह। अवनी ने भी मयंक की कमर पर अपने हाथों को कस लिया था। उसकी कलाई पर नंदिनी के दांतों के निशान दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें लाल लाल चमक उठी थी और दांत भी पिशाचिनी के जैसे निकल आए थे। एक रहस्यमयी मुस्कान उसके चेहरे पर छलक आई थी, जिसके बारे में मयंक को कोई खबर नहीं थी।